हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। आज हम कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, तो आइए इस मिठाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में आधा कप चीनी डालेंगे, एक कप कोकोनट पाउडर डाल देंगे, दो चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और दो चम्मच काजू डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लिया है। कढ़ाई में एक चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, इसमें एक कप दूध डाल देंगे। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, इसे एक बार चला लेंगे। जो मैंने पहले नारियल पाउडर चीनी पीस कर रखा था, इसमें डालकर मिलाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स या घुटली ना रहे। इसे चलाते हुए ठीक होने तक पकाएंगे। ये ठीक हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करके निकाल लेंगे। हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर को लेंगे और इसे इस तरह से लंबा करके मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से सभी मिठाई को बना लेंगे। मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें या सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं। मिठाई के ऊपर सिल्वर पेपर मैंने लगा दिया है, इसके ऊपर हल्का सा ऑरेंज फूड कलर लगाएंगे, ये दोनों ऑप्शनल है। बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।